hi chum this is your host samira firstly hi. welcome to our channel thank you Hi, so many congratulations for this reality show thank uh, you so much so sapsapaliti jana know what made you choose big boss uh, big boss uh, chose me mm -hmm. yeah <laughs> are you comfortable with this show uh, i am that's why i'm participating okay, can you please talk about yourself, something we know that you have tags or, you know, titles, ho, but then to talk about orbata so um, i participated in a lot of pageants in the past, till 2017. i represented india in lebanon, in miss world asia. i was on a runner up and uh, the most uh, interesting thing about pageantry is that when i participated in miss earth in 2016, आई गॉट वेरी क्लोज विथ नेचर तो वो मुझे अभी तक बहुत अच्छा लगता है <laughs> आपको क्या लगता है बिग बॉस ने आपको अगर चूज भी किया है सो वॉट इज दैट जिस, जिस वजह से आपको चूज किया गया है in, <laughs> आपको कुछ तो क्वालिटी पता होगी वॉट इज द रीजन मी लाइक आई आई हैव नो आइडिया कैन वी लाइक नॉट ओके चलेगा जी ओके टॉक अबाउट या या ओके सो यू नो जाना चाहेंगे आपने अगर चूज भी किया तो व्हाट ऑल क्वालिटी यू हैव दैट इज व्हाई यू नो बिग बॉस चूज यू आई थिंक आई विल बी फन इनसाइड आई थिंक आई विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द टास्क दैट आर गिवन क्या आपने यू you नो know, इतने सारे टाइटल्स जीते हो बट आर यू लुकिंग फॉर टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ Is it that? Actually, I can see that. Yeah, this could either make me or break me. So, yeah, I was telling my uh, friend also the other day that this could be the turning point of my life, participating in this show. Okay, आप entry कर रहे हो single, but you know वो घर का माहौल ऐसा है कि वहाँ पर या तो दोस्त बन जाते हैं या तो relationship बन जाते हैं क्या क्या focus से आप जा रहे हो? Uh, relationship का तो मैं अभी नहीं देख रही हूँ because I'm वेरी श्योर sure कि आई डोंट वांट एनी कैन ऑफ रिलेशनशिप भाई बहन का ठीक है अंकल आंटी का ठीक है बट <laughs> रिलेशनशिप uh, नहीं चाहिए मुझे आई एम वेरी श्योर बहुत आए ओके घर में बहुत सारे यू you नो know, काम होते हैं क्लीनिंग को लेके कुकिंग को लेकर uh, कौन सा काम आप नहीं लेना चाहोगे अभी काम अगर वो लोग डिसाइड करके दे दिया तो आई हैव टू डू इट बट आई लव वर्किंग बट इतने सारे लोगों के लिए कभी किया नहीं है तो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम एक दो लोगों के लिए करना इज ओके बट सब लोगों के लिए इतने सारे लोगों के लिए कपड़ा क्लीनिंग कुकिंग दैट माइट बी अ प्रॉब्लम जो uh, आपकी क्वालिटीज़ शायद से बहुत कम लोग जानते होंगे और आपके करीबी लोग ही जानते होंगे बट अगर ऑडियंस को बताना हो आपकी क्वालिटीज़ तो आप किस तरह से अपने आप को यू नो बताना चाहूँगी क्योंकि वो घर में uh, चुप रहने से तो कुछ नहीं चलता mm -hmm. आप तो आप में वो एग्रेशन क्वालिटी है नहीं है या यू you नो know, किस तरह की आप हो आई थिंक एग्रेसिव तो सब लोग होते हैं दो बी इन दिस वर्ल्ड जो गुस्सा नहीं करते होंगे बट माई गुड क्वालिटीज इफ आई हैव टू स्पीक अबाउट माई गुड क्वालिटीज़ आल सेम हैड स्ट्रॉन्ग आई नो वर आई वॉन्ट आई नो हाउ आई वॉन्ट इट एंड आई एम अ फन पर्सन पर गुस्सा दिला नजर तो गुस्सा आएगा दमथिंग एल्स <laughs> जो विच विल सी लेटर आपने पिछले कितने सीजन फॉलो किए हो टू बी ऑनेस्ट मैंने बिग बॉस नहीं देखा बट आई हैव सीन क्लिप्स जो uh, थोड़ा थोड़ा जो क्लिप्स mm -hmm. मैंने वो थोड़ा सा देखा इंस्टा फेसबुक वगैरह में सब आते हैं ना mm -hmm. तो वो सब आई कौन सा सीजन और कौन सा यू नो कंटेस्टेंट आपके लिए फेवरेट हो सीजन uh, 13 में था सिद्धार्थ शुक्ला एंड सहनाज गिल आई रियली लाइक लव दम दे आर माई फेवरेट एंड मुझे गौहर खान भी बहुत पसंद है पर मुझे याद नहीं वो कौन सा सीजन में था बट आई रियली लाइक हर ऑल्सो यू नो अभी जितने भी जा रहे हैं यू नो कंटेस्टेंट्स होते हैं और जितने सीज़न आते हैं बहुत सारे लोग यू नो प्रटेंड करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला आसिम रियाज और शहनाज गिल बनने की और कई बार बिग बॉस की यू you नो know, ये अलाम भी हुआ है कि यू you नो know, किसी फेक नहीं बनना है शो वो आर सो क्या कहना चाहूँगी आपकी क्वालिटी या यू you नो know, लोगों की क्वालिटी से कुछ ऐसे मैच सिमिलर होगा या नहीं होगा तो मैं तो यही सोच के जा रही हूँ कि फेक नहीं होना है क्योंकि इतने सारे कैमराज है और इफ़ यू आर गोइंग इन फॉर अलॉर ऑफ डेज तो कब तक आप फेक रहोगे है ना mm -hmm. तो फेक होना है वो तो मैं सोच के नहीं जा रही हूँ जैसे आप हो जैसे मैं हूँ वैसे mm -hmm. ही मैं हूँ क्या चैलेंज है जो आप फेस करने वाली हो कभी पर्सनल स्पेस शेयर नहीं किया किसी के साथ तो दैट mm -hmm. वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा एंड व्हाट व्हाट यू विल मिस मिस आई यस माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स

<laughs> तो वो वो होगा थोड़ा सा मुश्किल बट कर लेंगे एडजस्ट मैं पानी की तरह हर जगह एडजस्ट हो जाती हूँ। तो ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। होपफुली वेल अगर आपको सिंगल बेड नहीं मिलता है देन देन इट्स लाइक आई विल लिव विद इट ऐसा कोई इंपॉसिबल भी नहीं है बचपन से तो पेरेंट्स के साथ सोصوصो के बड़ा हुआ है <laughs> <laughs> तो लेके सबसे ज्यादा मुद्दा बनता है घर में किस को लेकर हाइजीन को लेकर हां आप कितने यू यू नो नो आपको या वो वो है है you know, आप कितने हाइजीनिक हो hmm, वो, वो हो सकता बट uh, so <laughs> I mean, like, uh, sure गंदा रहने वाला लोग तो आएगा नहीं तो बिकॉज दे प्लेस एंड एवरी थिंग टू बी क्लीन आई थिंक करता है देन? इस साल नहीं हो रहा है <laughs> <laughs> आप अगर कंटेस्टेंट सब देखकर जा रहे हैं तो आपका क्लोज वन कोई है नहीं मुझे अभी तक पता नहीं है बस mm -hmm. मैंने ऐसा पता नहीं आ, आएगा कोई बट mm -hmm. uh, को, कौन कौन आ रहा है आई हैव नो नो क्लू आप टीवी इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा क्लोज हुई है बॉलीवुड इंडस्ट्री से मुझे एक चीज समझ में नहीं आता लाइक सीरियसली टीवी और बॉलीवुड डिफरेंट डिफरेंट है ऐसा लाइक आई डोंट सी अ डिफरेंस

थोड़ा बहुत नर्वस हूँ एंड वीकेंड के वॉर में एग्जैक्टली कैसा वो होता है आई आई मुझे नहीं पता है मैंने आपको पहले बोला कि आई हैव नॉट वॉच द आई थिंग बट मेरे फ्रेंड माय बेस्ट फ्रेंड शी इज़ अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस तो उसने मुझे बताया कि वीकेंड के वॉर पे भी वीकेंड के वॉर पे यू गो देयर ड्रेस्ट अप बट उस टाइम पे भी यू समटाइम्स यू हैव टू परफॉर्म टास्क सो दैट आई अबिट नर्वस अबाउट एट कि कैसा कैसा होगा एंड सलमान खान से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड बचपन से देखा तो अभी सामने दिखेगा तो हम वेली एक्साइटेड ऑल्सो यू नो फैमिली और फ्रेंड्स का क्या कुछ रिएक्शन था जब आपने बताया कि आप बिग बॉस में जा रहे हो दे तो आर वे एक्साइटेड आई थिंक मुझसे ज़्यादा वो लोग ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज दे आई थिंक दे फॉलो बिग बॉस वो तो सब मना कोई मना नहीं कर रहे सब लोग बस बोल रहे हैं uh, कुछ फैमिली वीक होता है शायद पीपल yes. कम yes. तो वो लोग सबसे me हमको बुलाओ हमको लास्टली बुलाओ. <laughs> तो, yeah. okay. yes. well, जाते जाते uh, you know, अगर if, ये जानना चाहेंगे आई साइंड फॉर दिस नोइंग ऐसा ऐसा होगा वैसा वैसा होगा तो कुछ अगर बुरा भी हुआ तो इट्स ऑन मी कुछ अच्छा भी हुआ तो इट्स ऑन मी सो हाउल्स एवरीबडी टू देर ओपिनियन अगर वो उसके लिए मैं बुरा हूँ तो किसी और के लिए अच्छा हूँ अप एंड डाउन सो इट्स लाइक कोई बात नहीं इट्स अ पार्ट ऑफ दिस this thing that Social i've signed video. up for you so yeah kal tao al ticket well lastly आप क्या कहना चाहोगे big boss के fans and viewers को? um i'm really nervous and uh, scared and excited also acha lagega to follow follow my story inside the house and bahar aake i'll let you know how i feel <laughs> how i felt so thank you thank you so much thank you okay so lastly aap message kya dena chahenge big boss ke fans and viewers ko Uh, I'm really excited, nervous about this journey. Abito, I'll be inside the house, but I would like to request all of you: if you like my journey, if you like me inside the house, please support me, send me love, remember me in your prayers, and do vote for me. Thank you. Thank you so much. Thank you.